तो आदि पुरुष का टीजर आ चुका है, जहाँ बहुत समय से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आदि पुरुष का टीजर आएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी को कैसे दिखाया जाएगा, प्रभास कैसे नजर आएंगे। तो वो सब तो छोड़िए, रामायण का मजाक बनाने पे तुरे हुए ओम राउत जी ने पता नहीं क्या बना दिया है। और सच में ये देख के ये पक्का साबित हो गया है कि बॉलीवुड से हम धर्म के अपने धर्म को गौरवशाली दिखाने के लिए, इंडियन कल्चर को अच्छे से दिखाने के लिए, हमारे इतिहास को अच्छे से दिखाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सभी जो बोल रहे हैं वो सच है कि एसएस राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर है भारतवर्ष में जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत की इतिहास को गौरव से दिखा सकते हैं। तो अगर मेरी बात पूछोगे अगर आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद, तो रामायण पे बनी आज तक जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबसे टॉप पे तो रामानंद सागर जी की रामायण टीवी सीरियल रहेगी, दूसरे नंबर पे जापानी एनिमेशन रहेगा, और तीसरे नंबर पे जितने भी टीवी सीरियल्स जो कि भारत में बनाए गए हैं वो सब आ जाएंगे, और चौथे नंबर पे रामायण द एपिक आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा रामयुग नाम का एक वेब सीरीज़ आएगा, उसमें भी अच्छा खासा दिखा दिया गया था मॉडर्न हिसाब से, लेकिन आखिरी नंबर पे होगा आदि पुरुष। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदू मान्यता पर, हिंदुओं के आस्था पर, जो भक्त के आस्था है उस पर किस तरह से खिलवाड़ किया गया है आदि पुरुष के द्वारा। भाई मुझे इस फिल्म के टीज़र को देखने के बाद इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। ये है आपका रामायण का, आप ये दिखाना चाहते हैं? आप सोचिए इसको देख के आने वाली जनरेशन रामायण कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में क्या सोचेंगे, जिन प्रभु श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिनको वाल्मीकि जी ने अपने वाल्मीकि रामायण में जो है भगवान श्री विष्णु से भी बढ़कर बताया है, मर्यादा पुरुषोत्तम बताया, उनको ये लोग एटीट्यूड के साथ बोलते हुए डायलॉग के साथ दिखाते हैं। आप सोच सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र वो हैं जिन्होंने इतने सारे कष्ट सहे, जिन्होंने अपने बड़ों की आज्ञा का इतना पालन किया, वो हमेशा विनम्र रहे, विनम्र स्वभाव से रहे, उन्होंने अपने शत्रुओं के साथ वैसा शत्रुओं जैसा व्यवहार नहीं किया, उनको ये लोग जो है ऐसे घमंडी वाले डायलॉग्स देते हैं। चलो ठीक है, आप जो है 1987 में आई रामानंद सागर जी के रामायण की तरह आप शांत भगवान श्री रामचंद्र को नहीं दिखा सकते। आज जो मास ऑडियंस है उनको अलग टाइप का चाहिए, तो समझ में आता है आप रामचरण जी की तरफ दिखा सकते थे। अल्लूरी सीताराम राजू के कैरेक्टर को देखिए आप RRR मूवी में, अरे भाई वैसा तो दिखा सकते थे, ये कहां से लग रहे हैं आपको श्री रामचंद्र जी की तरह। प्रभास को आप देख लीजिए, कहीं इस फिल्म से जो है प्रभास के करियर को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखना ना पड़ जाए, क्योंकि आप इतना बड़ा खिलवाड़ हिंदुओं के आस्थाओं के साथ नहीं कर सकते। भारतवर्ष का इतिहास, इतना गौरवशाली इतिहास पर आप फिल्म बनाते हैं और ऐसा भद्दा मजाक आप कर रहे हैं। आप कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ऐसे होंगे, आप देखिए इनके लुक को देखिए, किसी शिकारी की तरह, किसी डाकू लुटेरे की तरह दिख रहे हैं। एसएस राजामौली ने अमरेंद्र बाहुबली को ऐसा पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व दिया था, आप देखिए बाहुबली में, कि उनको देखने के बाद लगता है कि ऐसे सच में राजा रहे होंगे, ऐसे महान चरित्र रहे होंगे, और आप श्री रामचंद्र की भूमिका को ऐसे बनाते हैं। और लग रहा है कहीं से भी चेहरे पे कोई तेज होना चाहिए, कोई पर्सनालिटी होना चाहिए। आप देवसेना को उठा कर देख ले, बाहुबली से हर जगह से इसकी तुलना की जाएगी। आप रामायण बना रहे हैं, आप कोई मजाक नहीं बना रहे हैं। और सबसे पहली बात कि सैफ अली खान की तो बात बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, सैफ अली खान को लिया ही क्यों गया इसमें, और लिया भी गया चलो ठीक है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है या वाइकिंग्स चल रहा है भाई, अंडरकट उसका हेयर स्टाइल देखो आप, ऐसे होता है रावण ब्राह्मण समाज में वो चरित्रवान व्यक्ति जिन्होंने नवग्रह को अपने वश में किया, जिन्होंने शिव तांडव स्रोत की रचना की, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया। रावण ऐसा व्यक्तित्व है जिनके लिए भगवान श्रीहरि को स्वयं अवतरित होकर आना पड़ा मनुष्य के अवतार के लिए। तो सोचिए आप ऐसे व्यक्तित्व को आप ऐसे दिखा दो, अबे कोई डाकू चोर लुटेरा इससे अच्छा दिखता है, ये क्या बनाए हो भाई आप, ऐसे इंडियन कल्चर को जो है पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसे इस फिल्म को रिलीज करके ऐसे अपमान करोगे। आप सैफ अली खान का देख लीजिए लुक, देखिए 10 सिर वाला भाई, किसी डाकू की तरह दिख रहे हैं, उससे भी घटिया दिख रहे हैं, ये रावण है। भगवान श्री रामचंद्र की सेना को देखिए, उसमें सिर्फ हनुमान जी और लक्ष्मण जी बस साथ में दिख रहे हैं, बाकी सब CGI है भाई। इतने बड़े बड़े नल, नील, अंगद, जामवन जैसे ऐसे महान महान व्यक्तित्व चरित्र थे, उन्हें वानर और कपिराज कहा जाता था, वो कोई बंदर की तरह ऐसे, वो कोई गोरिल्ला आपकी तरह नहीं थे। रामायण में वर्णित एक एक चरित्र जो है अपने आप में ही कुछ उपलब्धियां रखता था, अपने आप में व्यक्तित्व रखता था, अपने आप में विशाल चरित्र रखता था। ये नहीं कि आप किसी भी बंदर भालू की तरह दिखा दे रहे हो, ये रामायण का अपमान है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का आस्थाओं का अपमान है। इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे फिल्म नहीं बननी चाहिए, हमारी आस्थाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भले जो है प्रभास के फैंस कितने भी खुश हो रहे हो कि प्रभास को श्री रामचंद्र की भूमिका में रखा गया, लेकिन ये श्री रामचंद्र जी कहीं से भी नहीं लग रहे मेरे भाई। इस फिल्म को देखते हुए, इस फिल्म के टीज़र को देखते हुए जो है लग रहा है कि इनके डायरेक्टर हैं, इनके जो मेकर्स हैं, उनको हिंदुत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप जो है ना भारत की संस्कृति को जानने वाले किसी भी छोटे बच्चे को उठा कर देख लीजिए, उससे पूछिए कि रावण का व्यक्तित्व कैसा है, रावण दिखता कैसा है, वो आपको अच्छे से वर्णन करके बता देगा, उससे आप स्केच बना लीजिए। क्या कोई फैशन शो चल रहा है? आप संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप धर्म के साथ आप मजाक उड़ा रहे हो, क्या हो रहा है ये? पता नहीं है रामायण चल रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, क्या क्या प्रकार के जीव जंतु दिखाए जा रहे हैं, क्या क्या सीन्स दिखाए जा रहे हैं, कोई कैरेक्टर किसी तरह सूटेबल नहीं लग रहा। प्रभास 1% कहीं से भगवान श्री रामचंद्र नहीं लग रहे हैं भाई, क्या मजाक बना दियो हो यार।